नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बिहार ने कोरोना काल में सबसे बुरा फेज देखा है, चाहे वो ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर हो, दवाओं की कमी को लेकर हो, बेड्स की कमी को लेकर हो। जनता ने बहुत सारी परेशानियां झेली है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार सरकार ने इस पूरे समय में क्या किया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या डेवलपमेंट रहा बिहार में और क्या सुविधाएँ बढ़ाई जा रही है। खबर निकल कर आई है कि बिहार में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन को लेकर संज्ञान लिया गया है। सरकार की तरफ से ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने का निर्णय तो लिया ही गया है, साथ ही साथ रेमडेसिविर के कोटे को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया है। पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं कि ये पूरा फैसला किस तरह का है और कितनी ज़्यादा दवाएँ और ऑक्सीजन बिहार को मिलने वाले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूर्व में 21 अप्रैल से 9 मई तक बिहार को आवंटित रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा बढ़ाकर 21 अप्रैल से 16 मई तक 1,50,000 कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्य के 15 जगहों पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान जारी कर दी थी। इसके पूर्व 87,800 रेमडेसिविर का केंद्र ने कोटा तय किया था। इसके साथ ही कोविड के गंभीर मरीजों को विशेष परिस्थिति में दी जाने वाली विदेशों से आयातित काफ़ी महंगी टोसली जुम्ब दवा का बिहार को अब तक 150 वायल मिल चुका है, जबकि बहुत जल्द उसकी 120 वायल और प्राप्त हो जाएगी। वहीं केंद्र द्वारा राज्य के 15 स्थानों जिनमें डेहरी ओनसोन रोहतास का है, वैशाली का महुआ, नरकटियागंज, नवादा का रजौली, मधुबनी का जयनगर, सिमरी बख्तियारपुर, महाराजगंज, मसौढ़ी, पटौड़ी, डुमराव, जगदीशपुर, फारविसगंज, बलिया, बनमंखी, कहलगांव में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। साथ ही राज्य के सभी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को जल्द ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश भी दिया गया है। 10 दिनों में रेमडेसिविर के 1,00,000 वायल और मिलेंगे। पिछले 10 दिनों में राज्य को केंद्र से जहां रेमडेसिविर के 50,000 वायल मिले हैं, वहीं आने वाले 10 दिनों में 1,00,000 वायल और मिलने वाले हैं। विभाग ने रेमडेसिविर के जिलेवार आवंटन में नियम में बदलाव किया है। अब आवंटन का 50% सिविल सर्जन द्वारा जिला के सरकारी और शेष चिन्हित निजी अस्पतालों को दिया जाएगा। 7 दिन में अनुमंडलों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू होंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय राज्य के सभी 9 मेडिकल कॉलेज में अगले 3 महीने में 18 करोड़ की लागत से प्रति मिनट 2,500 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता का प्लांट और NHAI 15 अनुमंडलों में प्रति मिनट 500 लीटर से 960 लीटर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है। इंडियन ऑयल ने ऑक्सीजन ढुलाई के लिए बिहार को 6 टैंकर भी दिए हैं। तो फिलहाल बिहार में कोरोना को लेकर जो है वो सरकार की तरफ से बड़ा निर्णय लिया गया है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी ऐसा कहा जा रहा है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी रेमडेसिविर के कई सारे वायल्स, 10 दिनों में 1,00,000 वायल बिहार आने वाले हैं, जिससे कोरोना के मरीजों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो केंद्र ने घोषणा तो कर दी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि ये चीज़ धरातल पर कितने वक्त में आ पाती है, क्योंकि आपको याद होगा जब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की बात कही गई, ये कहा गया कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जोरों शोरों से शुरू हो गई, सभी युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन उसके बाद पता चला कि अभी और समय लगेगा, अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि ये जो वादे किए गए हैं और रेमडेसिविर की बात हो चाहे ऑक्सीजन प्लांट की बात हो, वो कब तक तैयार हो पाता है और आम जनता को इसका लाभ कब तक मिल पाता है। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।